जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिस जारी किया है जो कि दोस्तों एडमिशन पोर्टल के बारे में है, यानी कि आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो दोबारा से ओपन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, अगर आपने यूजी में एडमिशन लेना था, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में आपने एडमिशन लेना था और किसी वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्जाम में नंबर नहीं आया, या फिर दोस्तों आपका फिजिकल काउंसलिंग में भी एडमिशन नहीं हो पाया, तो दोस्तों अब दोबारा से आपको एक बार फिर से मौका दिया है एडमिशन लेने का। अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो दोस्तों अब आप अपना जो है एडमिशन करवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अब एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो को एंड तक देखें। और दोस्तों, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली ऐसी जानकारियां आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये पहला नोटिस है जो कि फर्स्ट ईयर के यानी कि यूजी फ्रेश एडमिशन के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए, ये एप्लीकेशन नई डाली गई है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के प्रिंसिपल को दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया है कि रिगार्डिंग री ओपनिंग यूजी फर्स्ट ईयर एडमिशन पोर्टल 2022-2023, यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर यानी फ्रेश एडमिशन जो है ओपन किए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, उनका शेड्यूल क्या रहेगा ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको जो है फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 19/10 से लेकर 29/10 तक, यानी कि आपका जो दोबारा पोर्टल ओपन किया गया है वो है 19/10 से लेकर 29/10 के बीच में, यानी कि इस दौरान जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपकी फिजिकल ओपन काउंसलिंग होगी जो कि 19 तारीख से शुरू हो जाएगी और 31 तारीख तक रहेगी, यानी कि आप 19 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में जो है अपना ओपन काउंसलिंग करवा कर जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये दोस्तों केवल फर्स्ट ईयर के लिए है, यानी कि अगर आपने फ्रेश एडमिशन लेना है तो दोस्तों ये जो नोटिस है फर्स्ट ईयर के बारे में है। इसके अलावा दोस्तों, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का नोटिस भी जारी किया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस है ये आपका सेकेंड ईयर और दोस्तों थर्ड ईयर का है, यानी कि वे कैंडिडेट जिन्होंने फ्रेश एडमिशन पहले ले चुके हैं, अब उन्होंने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना था लेकिन बाय चांस वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो यहां पर भी आपको जानकारी दी गई है। आप 19 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, यानी कि 19 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जो है अपनी फीस जमा करा सकते हैं। अपनी जो फीस है दोस्तों, आपको ऑफलाइन मोड में जो है जमा करानी होगी, हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको सिर्फ जो है अपनी अपडेट देनी है और दोस्तों अपना जो ऑफलाइन मोड से जो है फीस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों आप 19 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में शाम 5 बजे से पहले अपनी जो फीस है वो अपने कॉलेज में सबमिट करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, यानी कि फ्रेश स्टूडेंट्स की। तो देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो डाउट है वो आपके हैं, यानी काफी सारे कैंडिडेट्स रह गए हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, यानी कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों आप 19 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में जो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दोस्तों फीस पे कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए दोस्तों आपको कॉलेज में जाना होगा, कॉलेज में जाकर आपको पूछना होगा किस कोर्स में कितनी वैकेंसी है और दोस्तों उसी के हिसाब से जो है आपको अपना एडमिशन लेना है। आप किसी भी साइबर कैफे से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसके बाद दोस्तों वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर आपको जो है किसी कॉलेज में जाना होगा, जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे उस कॉलेज में आपको जाना होगा और वहाँ पर फिजिकल ओपन काउंसलिंग में आप भाग लेंगे और दोस्तों वहाँ से जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो कि आपको लेके जाने होंगे। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है वो, इसके बाद 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और दोस्तों अदर जो मार्कशीट है आपके साथ आपके पास वो लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, आपका गैप ईयर अगर आप गैप ईयर के लिए एलिजिबल हैं तो, इसके बाद आपके सिग्नेचर, आपकी फोटो, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर आप बनवा सकते हैं तो दोस्तों आप लेके जा सकते हैं, आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी और दोस्तों अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आप उसकी रिजल्ट कॉपी भी लेके जा सकते हैं, आपके बैंक की पासबुक भी आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाने होंगे। और दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार कॉलेज में जरूर जाना है आपको, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार कॉलेज में जरूर विजिट करिए और वहाँ से अपने जो कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, यानी कि किस कोर्स में कितनी वैकेंसी सीटें बची हुई हैं, आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। आपकी सहायता के लिए मैं बता दूँ दोस्तों, जिस कोर्स में ज़्यादा वैकेंसी सीटें हैं आपको उसी कोर्स में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख
सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर उनका अभी एडमिशन नहीं हुआ है तो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।